हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। युद्ध में तो इतनी हिंसा होगी, लाखों प्राणियों की हत्या होगी, फिर मनुष्य उसके पाप से कैसे बचेगा? यदि कोई भी कार्य निष्काम कर्म योग की रीत से किया जाए तो ना उसका पाप लगता है और ना उसका पुण्य मिलता है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय अथवा हार जीत को एक समान समझकर केवल इसलिए युद्ध करो क्योंकि इस समय युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। और यदि इस मानसिक वृत्ति से इसे अपना धर्म समझकर युद्ध करोगे तो तुम्हें उसका पाप नहीं लगेगा। ये क्या कह रहे हो केशव कि युद्ध करके पाप नहीं लगेगा? युद्ध में तो इतनी हिंसा होगी, लाखों प्राणियों की हत्या होगी, फिर मनुष्य उसके पाप से कैसे बचेगा? यदि कोई भी कार्य निष्काम कर्म योग की रीत से किया जाए तो ना उसका पाप लगता है और ना उसका पुण्य मिलता है। जब अपने धर्म अर्थात कर्तव्य को जान लोगे तो फिर दृढ़ निश्चय होकर अपने धर्म पथ पर, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ोगे। फिर तुम सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय को एक जैसा ही समझकर अपने पथ से डगमगाओगे नहीं। तुम शिष्य बनकर मेरी शरण में आए हो, इसलिए यहां तक मैंने तुम्हें ज्ञान योग अथवा सांख्य योग की शिक्षा दी है। अब मैं तुम्हें कर्म योग के विषय में वो गूढ़ विधि बताऊंगा जिसके द्वारा तू कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों से मुक्त रहेगा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। निष्काम कर्मयोग? हाँ, निष्काम कर्मयोग। ये कौन सा योग है माधव जो मनुष्य को पाप और पुण्य दोनों से मुक्त कर देता है? ये एक गूढ़ विद्या है पार्थ। जो इसके रहस्य को समझ लेता है वो इस संसार में रहते हुए भी, संसार के सारे कर्म करता हुआ भी कर्म फल के बंधन से मुक्त रहता है। ये बड़ी अनोखी बात कर रहे हो केशव, मेरी बुद्धि अभी तक इसको ग्रहण नहीं कर रही। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि पर अभी तक आसक्ति का पर्दा पड़ा हुआ है। और जो निष्काम कर्मयोग मैं बता रहा हूं उसकी बुनियाद ही निरासक्ति के आधार पर रखी गई है।